For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हमारी हेडलाइन पढ़कर तो हो सकता है कि आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई हो। जी हाँ, क्योंकि हमारी हेडलाइन ही कुछ ऐसी है। और साथ ही ये भी बता दें कि इसे फर्जी हेडलाइन मत समझिएगा। हाँ जी, तो स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें में अब जल्दी मिलने वाले हैं दो मोहब्बतें। जी हाँ, जो बहुत दिन पहले ही बिछड़ गए थे या फिर शो के हिसाब से देखें तो कई साल पहले। और अब शो में होने वाला है कुछ ऐसा जो पलट सकता है यहाँ से कहानी। सोमवार के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रहमान आकर बचा लेता है शीता को मरने से, जिसके बाद उसे फॉरेन हॉस्पिटल भी ले जाता है वो, क्योंकि शीता मरी नहीं है बल्कि उसको एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया गया है जिसमें एक सांप का जहर था और उस जहर से वो अपाहिज बन गई थी। वहीं अब एक बार फिर से लौट आया है निखिल भी। जी हाँ, वो शख्स जिसने शीता को जान से मारने की कोशिश की और जो परम का साथ दे रहा है शीता को मारने में, पर वो एक बार फिर से लौट आया है रमन शीता की जिंदगी में अपने एक और मकसद के साथ। साथ ही बता दें कि फैंस काफी लंबे समय से ये इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा शीता और रमन का मिलन। तो बता दें कि अब वो दिन होगा साल का आखिरी दिन जिस दिन मिल जाएंगे आपके रमन और शीता, और रमन को सब याद आ जाएगा। और भी तमाम सीरियल अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.